अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू क्लास 8 साइंस केमिस्ट्री पोर्शन, एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर उसामा लियाकत फ्रॉम मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल शेखुपुरा। टुडे वी विल डिस्कस द लेक्चर अबाउट द यूज़ ऑफ एसिड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूज़ ऑफ hydrochloric acids and nitric acids. Now today we will discuss sulfuric uses of sulfuric acid. This is another type of acid, and then acetic acid and then bases alkalis. So let's start the lecture from uses. सबसे पहले जो हमारे पास uses हैं वो हैं sulfuric acid के uses, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं point number वन की, जो के है एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट। डीहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो के डीहाइड्रेशन में हेल्प करता है। अब डीहाइड्रेशन क्या चीज़ है? डीहाइड्रेशन बोलते हैं रिमूव, पानी का निकलना, रिमूवल। यानी कि ऐसा होता है ना कि जैसे पसीना आता है तो हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन, और बॉडी से डिहाइड्रेशन हो रही है, ये पानी का निकलना। तो क्या हो रहा था कि जिसमें से पानी जो है वो रिमूव हो रहा होता है, निकल रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसी तरह जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, या कुछ केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि जिधर वाटर को रिमूव करना जो होता है वो लाजमी होता है। वाटर बन रहा होता है तो हमने उसे रिमूव करना होता है। तो ऐसे रिएक्शंस में वाटर को रिमूव करने के लिए उधर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं डिहाइड्रेटिंग, जिसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, जो मुख्तलिफ रिएक्शंस में रिमूवल ऑफ वाटर के लिए, पानी को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आप देख रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स। यानी कि ये भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है ये भी फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि कल हमने नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड जो है वो भी फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनिया बनाने में यूज़ होता है। ये भी अमोनिया बनाने में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है, लेकिन ये जो है बनाने में यूज़ होता है ये अमोनियम सल्फेट। ये भी एक फर्टिलाइज़र है, खाद है, ठीक है, जो खेतों वगैरह में, फसलों वगैरह में डाली जाती है। इस तरह कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, ये भी खाद है, फर्टिलाइज़र है। इस तरह कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं जो के इस्तेमाल होती हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनके बनाने में ये इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर थ्री, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसकी बात कर रहे हैं हम, मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। सेलुलॉइड प्लास्टिक यानी कि एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें सेलुलोज मटेरियल यूज़ होता है। सेलुलोज जो है ये एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या चीज़ होती है ये एक अलग केमिस्ट्री है, अलग एक डेफिनेशन है उसकी, टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो एक नेचुरल पॉलीमर है। प्लास्टिक जो है ये भी क्या होते हैं, ये सब पॉलीमर होते हैं। जैसे आपने अक्सर नाम सुना होगा पीवीसी पाइप्स, ये जो आम पाइप इस्तेमाल होते हैं ना, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें विनाइल क्लोराइड जो है वो जो है उसमें विनाइल क्लोराइड की जो एटम्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा जिधर तादाद होती है उसके लिए पॉली का वर्ड यूज़ होता है। इसलिए सेलुलॉइड भी जो है ये भी एक पॉलीमर है। तो प्लास्टिक जो सेलुलॉइड पॉलीमर यानी कि सेलुलोज के बने हुए जो पॉलीमर प्लास्टिक्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क, ये हमने कल भी पढ़ा था गालिबन नाइट्रिक एसिड के यूज़ में, हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल सिल्क यानी मसनूई सिल्क जो है मसनूई धागा बनाने में इस्तेमाल होती है। पेंट्स बनाने में यूज़ होती है। ड्रग्स यानी कि मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल होती है। एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स बोलते हैं सर्फ, जो सर्फ और साबुन वगैरह जो है उनमें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज़ होती है। इन दी पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्सटाइल, यानी कि जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ है जिधर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो उधर भी ये यूज़ होती है। इसके अलावा प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, रिफाइनिंग में यूज़ हो रही है, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, जिधर लेदर इंडस्ट्री यानी जिधर लेदर बनता है। इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ये जो यूपीएस वाली बैटरीज होती हैं इनमें जो
होता है, चार्ज स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो लेड का बना होता है, तो इसलिए उसे लेड स्टोरेज बैटरीज कहते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरीज में ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, क्योंकि हमें पता है कि बैटरीज़ के अंदर आपको ही पता होगा कि क्या चीज़ होती है, वो एसिड होता है। वो कौन सा एसिड होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसिटिक एसिड, इज़ यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स बोलते हैं अचार को, ठीक, अचार बनाने के लिए यूज़ होता है एसिटिक एसिड। इस तरह इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, धागा, सिंथेटिक फाइबर यानी कि मसनूई धागा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे यूजेज ऑफ एसिड्स के। आज जो हमारा टॉपिक था, एसिड का जो पोर्शन चल रहा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, एसिड के हम यूजेज पढ़ चुके हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस एंड अल्कलीज। अब कुछ बेसिस, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमने एसिड की बात की थी ना, कि एसिड क्या चीज़ है जो कि पानी के अंदर एच पॉजिटिव आयन पैदा करती है। पानी में दो कंपोनेंट होते हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। एच टू आपको पता होगा, एच और ओ एच। तो ऐसी कंपाउंड जो कि पानी में एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन पाते हैं, वो क्या थे? वो एसिड्स। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि बिल्कुल ही कंट्रेरली उसके मुखालिफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो कौन से हैं? वो बेसिस हैं। सच कंपाउंड्स टर्म्ड एज बेसिस, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? वो बेसिस हैं, ठीक है। अब बेसिस विच आर सोलिबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो अल्कलीज कौन, अल्कलीज किसे कहते हैं? वो बेसिस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बेसिस जो के पानी में सोलिबल है, पानी में हल हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अल्कलीज कहलाते हैं। द वर्ड अल्कली हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड कली। कि ये एक अल्कली जो है, ये एक अरेबिक वर्ड, अरबी का एक लफज है कली, कली से लिया गया है अल्कलीज, विच मीन्स ऐश। ऐश बोलते हैं राख जो होती है ना, जैसे कागज़ को जला दिए, लकड़ी को जलाते थे, एंड पे जो क्या बची, राख, स्वाद जिसे कहते हैं। तो वो ये किधर से हासिल होती है? इसका मतलब क्या है? ऐश, अल्कलीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम एशेज ऑफ प्लांट्स। तो ये किधर से हासिल होता है? प्लांट्स की जो ऐश है, प्लांट की जो राख है, पौधों की जो राख है, स्वाह है, उधर से ये हासिल होती है अल्कलीज जो है। अच्छा जी, उसके बाद अल्कली की डेफिनेशन है। अल्कली बेसिस आर कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वा सोल्यूशन। अल्कली बेसिस क्या चीज़ है? वो कंपाउंड्स है विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ओ एच नेगेटिव, ये विच प्रोड्यूस ओ एच नेगेटिव आयन। एसिड क्या था? जो एच पॉजिटिव आयन पैदा करता था। बेसिस क्या है? जो हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करती है इन देयर एक्वा सोल्यूशन, यानी कि ऐसे कंपाउंड, एक्वा सोल्यूशन से मुराद पानी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम पानी में डालें, पानी में हल करें, और वो क्या करें, उस पानी के अंदर ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें, ओ एच नेगेटिव आयन ज़्यादा कर दे, तो या ओ एच नेगेटिव आयन पैदा कर दे, तो वो क्या है? वो बेसिस कहलाते हैं। अब इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है, ठीक। तो ये वो भी सारी इसकी एग्जाम्पल है। ये आगे नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ये भी सभी क्या है? ये सभी बेसिस की एग्जाम्पल्स हैं। ये आप देख रहे, जिसमें सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका फार्मूला है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो ये सभी क्या है? ये सभी बेसिस हैं। ये सभी क्या करते हैं? पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, एंड देन बेसिस एंड अल्कलीज, एंड देन टेबल, डिफरेंट एग्जांपल। अब ये जो टेबल है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। इसमें आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनके आपके इनके नेम जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ही पढ़ चुके हो, जिसमें Na जो है ये सोडियम है, और OH जो है ये हाइड्रोक्साइड, ओ जो है ये ऑक्सीजन है, और एच जो है वो हाइड्रोजन है, लेकिन OH जब इकट्ठा होता है तो वो हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम का सिंबल है K, और OH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह कैल्शियम है, OH उसके साथ दो OH2 लगे हुए हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, ठीक हो गया, NH4 उसके साथ लगा हुआ OH, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक हो गया। तो ये सब भी फार्म नेम जो है आपने याद रखने हैं, सच ही। तो उसके अलावा ये बेसिस एंड अल्कलीज,
की डेफिनेशन होगी, याद क्या करना आपने, ये इन प्रॉपर्टीज, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, फिर अल्कली की डेफिनेशन के व्हाट आर अल्कलीज, ये जितना भी हाईलाइट किया हुआ मैंने पोर्शन ग्रीन ग्रीन सा, ये सभी आपने अच्छी तरह याद करना है, और ये टेबल भी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, अल्लाह हाफिज़।